में 200 पन्ने छापती है, 2×10³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हमको 5 मिनट में, 5 मिनट में छापे गए पन्नों की संख्या। कितनी है? 200। तो हमको पता लगाना है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में छापे गए पन्नों की संख्या हमको सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ पर हम अगर 200 में 5 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 1 मिनट 5 छपे गए पन्नों से। 5 × 5 5 × 20, यहाँ पर 5 × 0 यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, 1 मिनट में छपे गए पन्नों की संख्या 40 आ जाएगा। अब हमको निकालना है कि 2×10³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमको 2×10³ दिया है, 2×10³ पन्नों को छापने में लगा समय बराबर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2×10³ को लिखेंगे और यहाँ पर इसको हम पहले सरल कर लेंगे, यहाँ पर इसको सरल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2×, यहाँ पर इसको हम 1000 लिखेंगे और यहाँ पर 2 का 1 से गुणा होगा, हो जाएगा 2×1 = 2, यहाँ पर 2000 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको बताना है कि 2×10³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम किससे भाग देंगे? 40 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 2000 में हम 40 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पर 4×1 = 4, 4×5 = 20, यहाँ पर 4 0 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आया है वो 50, यहाँ 50 ये मिनट में दिया है तो इसके आगे भी हम मिनट लिख देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि 2×10³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा, 50 मिनट का समय लगेगा। धन्यवाद।